Namaste, welcome back to the channel. So we are going to discuss one notification from DESR REU Jodhpur, the University College of Ayurveda, regarding vacancy notification. So what exactly are the rules and eligibility criteria, what would be the salary scale, everything will be discussed here. So if you are interested to apply for a course like this, like for a job like this, you can definitely continue watching this. So a notification jo tha ye kuch din se, jaise 3 December ko is notice ka दिनांक लिखा है ऊपर, तो तब से ये ऑलरेडी सर्कुलेशन पे है। तो इस पे इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि 22 वैकेंसीज निकला हुआ है, वो भी कहां पर, बीएमएस कॉलेज जो है जोधपुर की यूनिवर्सिटी कॉलेज में, वहां पर वो जो 22 कॉलेज सीट है उनमें से 4 प्रोफेसर की पोस्ट पे और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 9 सीट और सहायक प्रोफेसर दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 8 सीट निकला हुआ है। कुल मिलाकर 22 सीट्स जो है यहाँ पर वेकेंट है। तो आप ये मान सकते हैं कि कॉलेज में कोई भी नहीं है जो पढ़ाने वाला है, तो इसलिए हमने अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पे इसको निकाला है। ये वैकेंसी जो है इसको यूटीबी के नाम से निकला हुआ है, अर्जेंट टेम्पररी बेसिस, मतलब जो ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि बहुत ही कम टाइम के लिए ये पोस्ट निकला हुआ है। हाल ही में आपको याद है कि डीएसआर आरयू जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है, कोई भी स्टाफ कंप्लीट नहीं होने की वजह से कोई भी डिपार्टमेंट में जो एनसीएसएम के द्वारा निरीक्षण के बाद जो मिलता है परमिशन, वो नहीं मिला था, जिसकी वजह से इस बार की जो एआईएपीजीटी की जो एडमिशंस होने वाले थे उसमें रोक दिया गया था कि इस बार पीजी एडमिशंस नहीं होगा। एनसीएसएम ने ये पहले बता दिए थे, हालांकि ये बहुत सालों से चल रहा है और हर बार बॉन्ड भर के कि ये रिक्रूटमेंट हो जाएगा करके यहाँ पर चल रहा था, लेकिन इस बार एनसीएसएम ने इसको नोटिफाई भी कर दिया कि इस बार नहीं मिलेगा। लेकिन तुरंत बाद एक नोटिस आता है कि ये एक वैकेंसी नोटिफिकेशन है, इसमें यूटीपी बेसिस पे हायर किया जाएगा। सीधी बात है, एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी है, जब एनसीएसएम बोलता है कि आपको परमिशन नहीं मिलेगा तो ये लोग अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पे निकालते हैं, तो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। तो कुल मिलाकर ये बेसिकली एक जुगाड़ है जिसकी वजह से जो एक यूनिवर्सिटी चल सकता है। तो इस पे अगर आप देखेंगे तो 4 जो प्रोफेसर की पोस्ट है, एक मौलिक सिद्धांत, स्वस्थव्रत, अग्रतंत्र, शालक तंत्र, ये सारे आपको डिटेल मिल जाएगा। तो ज्यादातर जो लोअर पोस्ट है वो लोग शायद ज्यादा इंटरेस्टेड है इस तरह की पोस्ट में, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये उसका स्ट्रक्चर है, मतलब जो टेबल आपको दिख रहा है इसमें क्लियर कट डिपार्टमेंट वाइज कौन सा पोस्ट खाली है वो क्लियरली दिख रहा है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है और वॉक इन इंटरव्यू ही यहाँ पर मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है, मतलब कोई एग्जाम नहीं होगा। यू हैव टू टेक द डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म भर के आपको भेजना है और 500 रुपीस एप्लीकेशन फीस लगता है। ये भी एक तरह से फालतू का पैसा है जो लग रहा है, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू में कुछ भी नहीं लग रहा है यूनिवर्सिटी का, फिर भी वो पैसे ले रहे हैं। तो वॉक इन इंटरव्यू में पहली बार मैं देख रहा हूँ कोई पैसे ले रहा है, तो एक तरह से इससे भी पैसे कमाना चाहते हैं। सो बेसिकली दैट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लाइक दिस। तो इसमें दो 22 पोस्ट है, तो उनमें से जो असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे उनको मिलने वाला है टोटल सैलरी 39,300 कंसोलिडेटेड, फिक्स्ड अमाउंट है, कोई भी अलाउंस नहीं कुछ भी नहीं, ये तो फिक्स्ड अमाउंट है 39,300। और वहां के जो फर्स्ट पीजी स्कॉलर है वो 70,000 से ऊपर ले रहे, तो एक तरह से डिस्पैरिटी जो है ऐसे लग रहा है कि कोई अपर लोअर कैस्ट की बात चल रही है। तो एक तरह से यही पे एक पॉलिटिकल इश्यू शुरू हो जाता है जब आप इतना वेरिएशन रखते हैं सैलरी पे, कम से कम एक रेस्पेक्टेड सैलरी तो देना चाहिए। तो 39,300 एक तरह से बहुत ही कम वेतन है, और एसोसिएट प्रोफेसर की बात 47,200 मतलब 50 से भी कम, और जो प्रोफेसर है उनका तो पूछना भी नहीं है, उनका मिलेगा 52,800 में एक प्रोफेसर जो 10 साल से ऊपर एक्सपीरियंस है वो आके यहाँ पर प्रोफेसर के पोस्ट भरेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक मजाक है जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, बट स्टिल मतलब इतना जॉब्स की कमी है कि राजस्थान में तो कोई ना कोई यहाँ पर ले ही लेगा, लेकिन एक बुरी बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है जब कॉन्ट्रेक्चुअल ले रहे कुछ भी ले रहे हो, कम से कम एक रेस्पेक्टेड सैलरी रखना जरूरी है। तो उससे क्या होगा, जो वहां पर हायर्ड है, जो रिक्रूटेड फैकल्टी है, कम से कम वो उत्साह जो हम बोलते हैं या ऊर्जा जो हम बोलते हैं जिसके थ्रू आप वो पढ़ा सकते हैं वो रहेगा, लेकिन इतना कम सैलरी में उनके सामने जो पीजी स्कॉलर है वो इससे ज्यादा कमा रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये बात अच्छा नहीं है। लेकिन एक नोटिफिकेशन है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ मेरा विचार भी मैंने व्यक्त किया।
हालांकि ये विचार सबके पास है, तो मेरे कुल के बोल दिए, बस इतना ही फर्क है। तो ये क्वालिफिकेशन जो है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये सीधी बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ पीजी डिग्री काफी है, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 5 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए, और प्रोफेसर के लिए 10 साल की प्रोफेसर होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एक जनरल नॉर्म है, सबको पता है, जो भी अप्लाई करने वाले उनको आइडिया होगा ही होगा। तो इसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। एक है कैंडिडेट्स नेम, अभ्यर्थी का नाम, फिर फादर्स नेम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, पता एवं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सो ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया। फिर शैक्षणिक योग्यता, आपकी जो डिग्रीज है, क्या क्या डिग्री आप होल्ड करते हैं। फिर आपके एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, किस पद पे आप कौन सा कॉलेज में कब से कब तक रहे थे, तो वो एक तरह से यहाँ पर आपको फिल करना है। और अगर जगह कम रह गया तो आप और एक शीट को लगा सकते हैं। अन्य कार्य अनुभव अदर देन टीचिंग, अगर आपको कोई दूसरा रिसर्च एक्सपीरियंस है, कोई हॉस्पिटल ड्यूटी का एक्सपीरियंस है, कुछ भी हो आप वहां पर लगा सकते हैं। कोई रिसर्च प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस है, कोई पब्लिकेशन है, प्रकाशन, वो भी आप यहाँ पर 8वां पॉइंट में लगा सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा जी चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये मुझे पता नहीं इसको क्यों रखने का क्या उद्देश्य है, वैसे जरूरत ही नहीं था। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद अदर को करिकुलर एक्टिविटीज, अन्य गतिविधियां, हस्ताक्षर, फाइनली साइन। तो कुल मिलाकर ये भी फॉर्म बहुत पुराना है, उसी को ही चला रहे, वैसे कोई मतलब का नहीं है, कुछ ही चीजें वहां पर जो मैटर रिलेटेड है वही है। उसके बाद एक फॉर्म है घोषणा पत्र, इसमें ये लिखा है कि जब भी यूनिवर्सिटी मुझे निकाला दिया जाएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं कुछ भी वहां पर आला नहीं मचाऊंगा। सीधी बात उसको अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद आपको साइन करना है। और अल्टीमेटली इसके बाद जो है एक फॉर्म है जिसमें आपको ईयर वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह, सीसीएम अगर टीचर कोड है नहीं है, ये सारी चीज आपको भरना है। तो ये कुल मिलाकर एक सिंपल फॉर्म है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो भी इंटरेस्टेड है उनको डेट ऑफ इंटरव्यू में बताना भूल गया, वो है 20th of December। सो 20th of December को आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। तो वॉक इन इंटरव्यू का मतलब है आपको सीधा डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है, लेकिन ये तो पहले उन्होंने थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया कि फॉर्म ऐसे होगा, आपको ये ले, ले कुछ डॉक्यूमेंट जो है आप लेके भी जा सकते हैं। तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन हमने डिस्कस किया। और रादर देन पॉजिटिव पॉइंट, यहाँ पर जो सैलरी स्केल है और यूटीबी प्रोसेस है, ये इतना अच्छा नहीं है, फिर भी अगर किसी को भी जरूरत है और जो चाहते हैं कि इस पोस्ट पे चले जाए, वो कोई भी रीजन की वजह से, वो जरूर जा सकते हैं। तो इस तरह से आगे भी जो भी वैकेंसी आएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि राजस्थान में कॉमन स्ट्रक्चर है कि कहीं ना कहीं यूटीबी के चक्कर में, और कभी कभी मेडिकल ऑफिसर को ही डेप्यूट कर देते, ये भी गलत बात है, लेते हैं मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे, और वो भी लेते हैं बीएमएस के मार्क्स के अनुसार। उसके बाद कोई पीजी कर लिया तो उसके बाद उनको डेप्यूटेशन पे लगा दिया, तो ये भी एक गलत बात है। तो कम से कम एक रेगुलर पोस्ट जल्द से जल्द निकाल के एक सेटअप करना चाहिए, अदरवाइज यूनिवर्सिटी जो है बस वैसे ही चला रहे, स्टूडेंट्स को इतना फायदा नहीं हो रहा है। तो ये स्टूडेंट्स का एक ओपिनियन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, और साथ ही साथ ये वैकेंसी जो नोटिफिकेशन है ये भी मैंने क्लियर कर दी। और एनसीएसएम जो है, अभी इन्होंने डीएसआरआरओ के खिलाफ बोले थे कि परमिशन नहीं मिलेगा, तो एक बार सीधा स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। अभी इस तरह से जुगाड़ करके उनको मिलेगा फिर कोई मतलब ही नहीं है, उस तरह की एक हफ्ते के लिए एक हल्ला मचाए थे कि ऐसे होगा ऐसे होगा, ऐसे कुछ नहीं हुआ। तो एनसीएसएम भी पहले जैसे सीसीएम जैसे ही काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो, एक रूल होना चाहिए। तो अगली वीडियो तक, धन्यवाद।